हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ और आज व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे हस्बैंड की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे बैठे बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए, तो वो बहुत दिनों से पीछे लगे थे मेरे कि मेरे बाल कट कर दो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं थी कि कर पाऊँगी कि नहीं। अभी एक दो वीडियोज़ देखे यूट्यूब पर और अभी ट्राई करती हूँ कैसे करना है, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे हेयर कट कर रही हूँ। अच्छा बनेगा नहीं बनेगा कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। कल्प का हम लोग करते हैं, लेकिन उसका हम सीधा मतलब एकदम छोटे कर दिए ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और ज़्यादातर हस्बैंड करते हैं ऊपर का ये वाला पार्ट जो होता है, तो मुझे इतना आता नहीं, और अभी मुझे उनका करना है। वीडियोज़ देखे हैं मैंने, ट्राई करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो हेयर कट हो गया है, इतना अच्छा नहीं हुआ, तो हमने फिर वो मशीन जो होती है उससे ज़्यादा बारीक कर दिया उसको। ठीक है, लेकिन मतलब इतना भी बुरा भी नहीं है, तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे किया है। कोई खास कट नहीं है, सिर्फ कम कर दिए बाल, और मैंने अभी नहा वगैरह लिया, कल को नहला दिया, एक बज गया है, क्योंकि हेयर कट करने में हमें बहुत सारा टाइम लग गया, तो खाना भी बनाने के लिए रख दिया है। आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी, क्योंकि हस्बैंड आज गए थे बाहर, तो सब्ज़ी भी लेके आए और पाव भी लेके आए, तो पाव भाजी बनानी है। उसके लिए कुकर में मैंने सब सब्ज़ियाँ चढ़ा दी है उबालने के लिए, तो अभी गैस बंद कर दिया, वो भी हो गया, तो बस अभी भाजी बनानी है और हस्बैंड पाव गर्म करने के लिए हेल्प करेंगे मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू भी किया जाए। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए कांच ऐसे अभी अलग ही दिख रहा है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना कि कल्प ने तोड़ दिया था, तो वो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ था हमने वैसे ही रखा था, अभी वो पूरा ही निकल गया, और मतलब फिर से एक बार उसको वो टूट गया तो पूरा निकाल दिया, और अभी तो दुकान से कुछ भी उसको कर नहीं सकते, तो हमारे पास आईना भी नहीं है, अभी जो बेसिन में है उसका ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। चलिए मैं पहले पाव भाजी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हर्ष क्या पढ़ो, चलो पढ़ो। हेलो सर, बन रही मेरी पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी है, और यहाँ पे मैं पाव गरम कर रही हूँ। पाव गरम करके हो गए, घी से ही कर रही हूँ मैं, बटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डन है। और आज हस्बैंड गए थे बाहर, तो बहुत सारा सामान लेके आए, तो वो क्लीन करने में इतना टाइम चला गया, जैसे सब्जियाँ है, उसके बाद फ्रूट्स लाए बहुत सारे, चीकू, वाटरमेलन, बनाना और भी कुछ तो लाए, शायद 3-4 प्रकार के, तो फ्रूट्स वगैरह सब क्लीन किए, दूध क्लीन किया, मतलब अभी बाहर से जो भी आ रहा है वो पहले क्लीन करना पड़ रहा है, इस वजह से इतना टाइम चला जाता है उसमें, तो लेट भी हो गया था, तो पाव भाजी बना दी फटाफट, क्योंकि ये चीज़ है जो फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको बनाने में। टाइम हुआ है अभी 2 बजेंगे, अभी और 10 मिनट में, मतलब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तब तक 2 बज ही जाएंगे, वो हेयर कट की वजह से इतना लेट हो गया आज, और बीच बीच में ये सब ऐसे क्लीन करने का काम भी चल रहा है मेरा, तो अभी हो गया, पाव भी गर्म करके हो गई, सब्जी भी हो गई, तो अभी फटाफट हम खाना खा लेते हैं। और आपको बीच में जो क्लिप दिखाई, आप कोका कोला की छोटी बॉटल लेके आए, क्योंकि एक्चुअल में ये पेप्सी कोका कोला ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ही है,
तो अभी जैसे जिसकी पसंद, मतलब उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते उसको, तो हम ज़्यादातर लाते नहीं। बहुत दिनों के बाद लेके आए, वो भी छोटी बॉटल, तो मैं तो नहीं पीती, मुझे पसंद नहीं है, वो दोनों ही पीते, तो छोटी बॉटल है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी खुशी देखी आपने, उसको इतना खुश होता है वो पेप्सी वगैरह देख के। और ऊपर से ये भी लेके आए, ये मुझे पसंद है, तो ये इसके भी दो पैकेट्स लेके आए। कल को अभी दिखाया नहीं, मैंने छुपा के रखा है ऊपर, उसको भी क्लीन वगैरह करके पहले यहीं पे रखा था, अभी ऊपर रख दिया, अभी तुरंत नहीं खाऊंगी मैं, थोड़ा सा उसको नॉर्मल मतलब होने दूंगी, तो उसके बाद शाम को वगैरह उसको खाऊंगी। तो कल को वो तो नहीं दिखाया अभी तक, ऐसे ही मिलता नहीं है आजकल कुछ भी, बहुत दिनों के बाद हस्बैंड को मिला, मैंने तो पूछा भी नहीं कहाँ से लेके आए। तो अभी चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ मैं। खाना खाने के बाद मैंने फिर व्लॉग ही नहीं बनाया, उसके बाद हम सब लोग सो गए और सीधा पता नहीं 5-6 बजे उठे, उसके बाद चाय वगैरह पी, सब कुछ किया, और अभी खाना बना रही हूँ मैं। रोटियाँ बनानी है, सब्जी रख दिए बनाने के लिए, तो फिर मुझे याद आया, एक्चुअली मुझे याद नहीं आया, हस्बैंड ने याद दिलाया कि तुमने वीडियो को एंड नहीं किया है, शायद वीडियो को एंड करो, तो मैंने सोचा कि चलो रोटियां बनाने से पहले ये काम पूरा कर देती हूँ। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं, तो अच्छा भी लग रहा है, और डिसाइड किया है कि 1-2 दिनों के बाद तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि तबीयत जो ठीक नहीं थी, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, तो शायद हर रोज़ तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन के बाद ऐसे बनाने की कोशिश करूंगी और आपके लिए अपलोड भी करूंगी। तो मैंने सुबह बोला था हस्बैंड की कटिंग दिखाऊंगी मैं, तो ये देखिए इस तरह से की है मैंने। एक्चुअल में करना कुछ और था और कुछ अलग ही कर दिया, लेकिन ठीक है, क्योंकि कितने दिन घर पे रहेंगे पता नहीं, और वैसे भी कौन देखता है बाहर जाने के बाद, क्योंकि पूरा मुंह तो पैक ही रहता है, और जब तक वो अपना काम स्टार्ट करेंगे शायद तब तक ये बढ़ भी जाएंगे बाल। तो चलिए अभी मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। कल भी आ गया बाय बोलने के लिए।